और विकेट प्रदीप महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, तेलंगाना में बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। जब से बसपा में आईपीएस प्रवीण कुमार, आरएस प्रवीण कुमार ज्वाइन हुए, उस दिन से तेलंगाना में एक नया लहर शुरू हो गया है। आईपीएस प्रवीण कुमार ऐसा एक व्यक्तित्व है, उनका सर्विस पीरियड में, उनका नौकरी पीरियड में लाखों लोगों का जिंदगी को बदल डाले थे, और वो एक आईपीएस ऑफिसर के साथ साथ एक अच्छा सोशल वर्कर बन के उभरे। उनका व्यक्तित्व इतना अच्छा है, उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावित करता है तेलंगाना लोगों को, ये आउट ऑफ इमेजिनेशन है। जिस दिन आरएस प्रवीण कुमार, आईपीएस आरएस प्रवीण कुमार बसपा में शामिल हुए, उस दिन ये मीडिया को भी पता नहीं, सोशल मीडिया वाले कुछ दिखाए और नेशनल मीडिया तो बिल्कुल नहीं दिखाए। उनका ज्वाइनिंग पीरियड में लगभग 5 लाख से ज्यादा लोगों को लेकर उन्होंने बीएसपी में शामिल हुए थे। ये न्यूज कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलता, या कोई भी गोदी मीडिया इनको हाईलाइट नहीं किया। साथियों, बसपा का जनाधार तेलंगाना में ज्यादा बढ़ रहा है। आईपीएस आरएस प्रवीण कुमार जैसे व्यक्तित्व जब बीएसपी में शामिल हो गए, मतलब यहाँ तेलंगाना में बहुजन समाज का संगठन मजबूत हो गया है। तेलंगाना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तेलंगाना में आने वाला कल बसपा का शासन जरूर होगा, क्योंकि बसपा वहां आईपीएस प्रवीण कुमार का लीडरशिप में अच्छा संगठन बना रहा है। और ये अभी अभी ये खबर मिला है, टीआरएस का, टीआरएस एक प्रमुख दल होता है तेलंगाना का सबसे मजबूत दल है, पॉलिटिकल पार्टी है टीआरएस। टीआरएस का 200 से ज्यादा लीडर बसपा में शामिल हो गए हैं। कैसे ये संभव हुआ? ये इसीलिए संभव हुआ, आईपीएस प्रवीण कुमार का व्यक्तित्व से ये लोग प्रभावित है। उसके साथ साथ आईपीएस आरएस प्रवीण कुमार, बाबा साहेब अम्बेडकर, दादा साहेब कांशीराम का मिशन से बहुत लगान है, और आईपीएस आरएस प्रवीण कुमार का मकसद ये है तेलंगाना में बहुजन शासन लाना, कानून का द्वारा कानून का शासन एस्टैब्लिश करना है। इसीलिए तेलंगाना में आज जो परिवर्तन आ रहा है, वाकई ये देश के लिए एक एग्जाम्पल बन गया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बसपा एक नंबर पर आता है संगठन उत्तर प्रदेश, उसके बाद पंजाब, अब ये दिखाई दे रहा है तमिलनाडु। धीरे धीरे पूरा भारतवर्ष में अब लोग जानने लगे हैं, वर्तमान 21st सेंचुरी बहुजनों का शासन डेफिनेटली है। दादा साहेब कांशीराम ये बात कहते थे, 21st सेंचुरी बहुजनों का सेंचुरी है, और भारत का हर कोई प्रोविंस में बसपा का जनाधार अब बढ़ रहा है। सन 1953 में बाबा साहेब अम्बेडकर ये बताते हैं, जब भारत का लोग अपना इतिहास के बारे में जानेंगे, जब भारत का लोग भारत का संविधान के बारे में जानेंगे, तब भारत में पाखंडवाद और नफरत का राजनीति बंद हो जाएगा। वर्तमान नफरत का राजनीति भारत वर्ष में फाइनल स्टेज पर आ चुका है। जैसे जाति और धर्म के नाम पर नफरत फैलाया जा रहा है भारतवर्ष में, धर्म के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग हो रहा है, चूड़ी बेचने वाले बच्चा को, लड़का को धर्म के नाम पर मारा जाता है, और धर्म के ठिकादार समाज में कैसे नफरत फैला रहे हैं। ये समस्त कारण हेतु बहुजन समाज अब यूनाइटेड हो रहा है। लोग अब जान चुके हैं, ज्यादा दिन तक नफरत का राजनीति और जाति का राजनीति भारतवर्ष में चलने वाला नहीं है। इसीलिए बहुजन समाज को एस्टैब्लिश करना है,
सर्वजन हिताया सर्वजन सुखाया का नारा बुलंद करना है। भारत का संविधान का आर्टिकल 14 को इंप्लीमेंट करवाते हुए देश को आगे लेना है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी का लोग का साथ साथ बहुजन प्रेमी और बाबा साहेब अम्बेडकर को चाहने वाले लोग हर कोई स्टेट में बसपा में शामिल हो रहे हैं। ये कुदरत का परिवर्तन है। वक्त वक्त पर कुदरत खुद को ढांच लेता है, खुद को परिवर्तन करता है। बहुजन मूवमेंट एक कुदरत का मूवमेंट है। कुदरत खुद को फिल्टराइज कर रहा है। इसीलिए भारत का बहुजन समाज अपने आप धीरे धीरे बसपा की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। नहीं तो टीआरएस जैसे बलाएदार पार्टी छोड़कर बसपा में शामिल होना, 200 मेंबर बसपा में शामिल होना, ये कोई मामूली बात नहीं है। हमारा जितने भी पूर्वज जो है, हम जब उनका इतिहास को खोल के पढ़ते हैं, कहीं भी कलंकित नहीं है। छत्रपति साहू जी महाराज का इतिहास जाके देखिए, उनके नाम पर कोई भी कलंकित अध्याय नहीं है। ई वी रामस्वामी पेरियर साहब का इतिहास खोल के देखिए, उनके नाम पर ऐसा कोई कलंकित इतिहास देखने के लिए नहीं मिलता। शिक्षा गुरु ज्योतिबाराव फुले साहब इतना ऐसा एक विद्वान है, उनका इतिहास उनका व्यक्तित्व भारत में शायद और किसी का पास नहीं होगा। बाबा साहेब अंबेडकर का बात क्या बताऊं, तो नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड है। हमारा विरासत में ये सब मिला है, हमारा विरासत हमें ये दे के गया है, न्याय बंधुत्व समरसता स्थापन करना, षड्यंत्र करके डिवीजन करने वाले कम्युनिटी को यूनाइटेड करना, षड्यंत्र के तहत भारत का शासक वर्ग को जैसे 6,743 जाति में विभक्त किया गया था, वो जाति को विनाश करना हमारा महापुरुषों का लक्ष्य था, जिससे वॉल्यूम 1 में बाबा साहेब अम्बेडकर एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट नामक किताब लिखते हैं। उस किताब में जाति को विनाश करने के लिए बाबा साहेब का प्रयास होता है। बसपा इनको विनाश करने के लिए सर्वजन हिताया सर्वजन सुखाया का नारा दे रहा है, और हमारा विरासत में जो मिला है इनको भारत में इंप्लीमेंट करके भारत को बचाना है हमारा काम, क्योंकि बसपा ही ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी है जो संविधान को सही से देश में लागू करवा सकता है, करने के लिए दमखम रखता है। हमारा विरासत में जो मिला है इनको हम अपना देश का धरोहर समझकर इस कुंजी को सही से इस्तेमाल करके देश को बचाना है, नहीं तो ये देश आने वाला कल जिस रसातल में जा रहा है, नफरत का बीज जैसे ये लोग यहां भारत के चारों तरफ फैला चुके हैं, इनको मिटाना है, भारत में भाईचारा स्थापन करना है, जात पात व्यवस्था को मिटाकर समरसता स्थापन करना बसपा का काम है। छोटे छोटे टुकड़े में डिवीजन होने वाले कम्युनिटी को जात को यूनाइटेड करके बहुजन समाज एस्टैब्लिश करना बसपा का मकसद है। इसीलिए भारत का हर कोना पर हर प्रोविंस में बसपा वर्कर यूनाइटेड होकर काम कर रहे हैं। आईपीएस प्रवीण कुमार जी, बहन मायावती जी को साथ देते हुए ये बताते हैं, हमारा मकसद है प्रबुद्ध भारत बनाना, यूनिटी इंटीग्रिटी को कंटिन्यूटी करना, फैटर्निटी को फैलाना, समरसता स्थापन करना, देश को भुखमरी से बचाना, भुखमरी से आजादी दिलाना, देश को
नफरत का राजनीति से आजादी दिलाना, देश को अनइक्वालिटी को मिटाकर, देश का अनइक्वालिटी को मिटाकर इक्वालिटी एस्टैब्लिश करना, जो इकोनॉमिक एक्सपोर्टेशन हो रहा है भारत का सिटीजन को, इनको रोकना और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को मिटाकर भारतवर्ष में इकोनॉमिक इक्वालिटी एस्टैब्लिश करना, ये बसपा का मकसद बन गया है। नहीं तो आने वाला कल ये भारतवर्ष में जैसे नफरत फैलाया जा रहा है धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाया जा रहा है, ये देश के लिए खतरे की घंटी है। ऐसे खतरे की घंटी से देश को बचाने के लिए सिर्फ ही सिर्फ बसपा ही दमखम भरता है और बसपा का कैडर लगे हुए हुए भारत को बचाने के लिए, बसपा का कैडर कमर कस चुके हैं देश को बचाने के लिए। साथियों, आप सब लोग इस मुहिम में जुड़ जाइए। तेलंगाना जैसे मूवमेंट चला रहा है, पंजाब जैसे मूवमेंट चला रहा है, उत्तर प्रदेश में जैसे बहुजनों का यूनाइट हो चुका है, ऐसे ही भारत का हर कोई प्रोविंस में आप लोग यूनाइटेड होके तन मन धन देके बसपा को आगे बढ़ाना है, बसपा संगठन को मजबूत करना है, तब जाके देश का संविधान बचेगा और बहुजन समाज ये देश का हुक्मरान बनेंगे और आने वाला कल हमारा नस्ल बेबसी से, भुखमरी से, जातिपात से आजाद हो जाएगा और देश का इतिहास बसपा को हर वक्त याद रखेगा। जैसे राजा अशोक को आज भारत याद रखता है, बाबा साहेब अंबेडकर का बलिदान को भारत आज याद करता है, ज्योतिबाराव फुले साहब का बलिदान को आज भारत याद कर रहा है, वैसे ही आने वाला कल बसपा भारतवर्ष में इतिहास रचने जा रहा है। आप सब लोग को मेरा ये विनती है, इस मुहिम में आप लोग सब जुड़ जाइए और ये देश को बचाइए। साथियों, असम न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन दबाइए ताकि आप लोगों का मदद से असम न्यूज चलता है, आगे बढ़ता है। असम न्यूज ऐसा एक न्यूज है जो बाबा साहब का विचार को फैलाता है और भारतवर्ष में भाईचारा को एस्टेब्लिश करता है। आप सब लोगों का सपोर्ट असम न्यूज चाहता है। थैंक यू।